मैयर में बैंक से पैसे निकालकर घर जा रहे किसान के साथ लूट हो गई। लुटेरों ने किसान को गुमराह कर लूट की घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब किसान अपने पुत्र के साथ दवा लेने के लिए रुका था। मैहर में एक बार फिर से बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। ग्राम बंशीपुर निवासी किसान राम प्रसाद अपने पिता के साथ मैहर के स्टेट बैंक से गेहूं खरीदी का पैसा 1,20,000 रुपए निकालकर घर आ रहा था, तभी रास्ते में माँ के लिए दवाई लेने के लिए रुका। इस दौरान पीछे से कुछ अज्ञात बदमाश आए और उनसे कहा कि जमीन पर पैसा गिरा है। जैसे ही किसान पैसा उठाने लगा तो झोला में रखे पैसे को बदमाशों ने पार कर दिया और रफू चक्कर हो गए। स्टेट बैंक से गेहूं पैसा आया था, केसीसी में आया था, तो पैसे निकलवा के ले जा रहे थे। दूसरे गेहूँ कुछ डलवा दिए थे अपने गाँव में, तो उनको पैसा देना था, निकलवा के ले जा रहे थे। तो मात्रा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो दवाई लेने पिताजी बोले दवाई ले लेते हैं। त्रिपाठी वसलनगर रोड पे त्रिपाठी मेडिकल के पास गए, वो दवाई ले रहे थे। हम गाड़ी में खड़े थे, एक आदमी आए बोले पीछे पैसे तुम्हारे पिताजी गिर गया। जैसे गाड़ी से उतर के हम पैसा लेने लगे कि गिर गया उनका, जैसे वो लेके झोला भाग गए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।